वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम शानदार झटपट बिना आटा गूंदे बिना बेले एक खतरनाक सा आलू का पराठा बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें हमारे पास मैदा है जो कि 2 कप है। अगर आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो इस 2 कप मैदे में हम डालेंगे 1 टीस्पून लेवल नमक और इसको मिला लेंगे। अक्सर लोगों को आलू के पराठे इतने पसंद होते हैं लेकिन आटा गूंदना फिर बेलना फिर फटने का टेंशन कि ये आलू यहाँ से निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीज़ें इससे एलिमिनेट हो जाएगी और बड़े झटपट खतरनाक से पराठे बनाएंगे कि आप लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा, नमक मैंने मिला लिया और यहाँ मेरे पास नॉर्मल टेम्परेचर का 2.5 कप पानी है। इसको डाल के हम एक अच्छा सा घोल बनाएंगे और बताएंगे कि पानी कितना यूज़ में आया। पहले ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि लम्प फ्री एक अच्छा सा बैटर बने। वैसे तो मैंने बहुत मुख्तलिफ किस्म के पराठे बनाए हैं और आलू के भी बड़े डिफरेंट बनाए हैं। एक इनसाइड आउट भी आलू का पराठा बनाया था, वो आप लोगों ने बड़ा पसंद किया, वो भी बड़ा इजी है। तो मैं उसका लिंक याद देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। एक तो पराठे मोस्ट पॉपुलर थिंग है सेटिस्फाइड करने के लिए इंसान की सोल को। फिर आलू एक ऐसी वेजिटेबल है जो दुनिया में हर एक को बहुत पसंद है और वो बन जाए बिना मेहनत किए हुए वीकेंड्स पे, तो ये बेसिकली जो नाश्ता है ना ये वीकेंड स्पेशल है। आप लोग बनाएंगे तो आप लोग भी रिलैक्स होंगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो ये पूरा हमने 2.5 कप पानी डाल दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल ताकि एक सॉफ्ट बड़े अच्छे से हमारे पराठे बने। दोबारा ऑयल के साथ भी अच्छे से मिला लेंगे। तो बैटर देखा कितना स्मूथ हो गया है और काफी हद तक थिक है लेकिन रनी वाला थिक है। तो ये देखें इस तरह से। वैसे अगर आप लाइन यू करेंगे एक तो ये सेपरेट हो जाएगा, इस तरह का थिक है कि जोड़ नहीं रहा है और रनी है। और यहाँ देखें हमारे पास आलू है और आलू लिए थे मैंने 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। अच्छा खासा सॉफ्ट वाला मैंने इसको उबाल लिया है तो इसको अब हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। अगर चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। आलू हमने 1 टीस्पून नमक डाल के उबाल लिए थे। छिलका निकाल के अगर उबाल लें ना तो एंड में छिलका भी नहीं निकालना पड़ेगा, तो मोर इजियर हो जाएगा। तो ये देखें अच्छे से हमने इसको मैश कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ 2 हरी मिर्चें थी जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया, ये होगी अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास। साथ ही इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस जो कि कुछ यूँ है कि 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 हैंडफुल हरा धनिया। धनिए को जब हम चॉप करके रख देते हैं ना तब वो क्या होता है कि ख़राब हो जाता है नेक्स्ट डे, तो अगर पेपर के साथ रख दें तो नेक्स्ट डे आपको काम आएगा, अदरवाइज बड़ा बड़ा काट के आप रख सकते हैं। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून तेल और अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखें अच्छे से हमने मिला लिया। हमारे पास यहाँ देखें एक पैन है, जितने आपको पराठे की साइज़ चाहिए हो ना इस तरह का आपको पैन लेना है।
यानी मुझे इतने बड़े पराठे बनाने हैं इस साइज़ के, तो मैंने ये पैन लिया। तो हम इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं और फ्लेम हमने रखी है मीडियम हाई, 30 सेकेंड हो गए। अब हम चूल्हे को लो कर देंगे और ये बैटर हमारा खोलेंगे, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। एक स्पून लेके और इसे हम फैलाएंगे इस तरह से। जितना पैन में जगह है इतना हमें फैला लेना है और अब इसके थोड़ा सा ड्राई होने का वेट करते हैं। अब आमेजा लेंगे और यहाँ स्प्रेड करना शुरू करेंगे इवनली, एक लेयर जितनी आपको देनी है इतनी। तो चूंकि यहाँ गीला हल्का सा है तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो ये हमने लेयर डाल दिए, थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे इसको, ऐसे दबा देंगे। दोबारा हम एक थिन लेयर इस पर डालेंगे, जितनी नीचे डाली थी ना रोटी की इसी तरह, बहुत भर भर के नहीं। बेसिकली हमें पूरा इसे कवर कर देना है और अब इस पॉइंट पर हम चूल्हे को तेज़ करेंगे। इसकी वजह ये है कि ऊपर का भी ड्राई हो जाए और नीचे तो हमने इतना लो रखा था कि उस पॉइंट तक बिल्कुल वो वाइट ही होगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा गर्म करने के बाद लो पे ही रखा था। देखिए ये ड्राई होना शुरू हो गया है, तब हम आसपास यहाँ तेल डालेंगे। नीचे से हमारा अच्छा सा सिकना शुरू हो जाए। देखें कितना खुश है, हिलजुल रहा है, मज़े कर रहा है। अब इसको हम पलटेंगे और यहाँ भी थोड़ा सा तेल डालेंगे और नीचे भी थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे। चले उलटते हैं दोबारा। ये देखें कैसा शानदार पराठा बन रहा है। मानते हैं कि आटा गूंदा भी नहीं, बेला भी नहीं और शानदार सा बन रहा है। तो ये देखें हमारा पराठा बन गया गर्मा गर्म। ये अभी इसको हम 10 सेकंड के लिए हटा देते हैं। उस वक्त हमने हाई पे, मीडियम हाई पे इसलिए रखा था कि तवा जो है वो ठंडा था ना, अभी गर्म हो गया है, इसलिए 10 सेकंड हटा देंगे और हटाने के बाद ये बैटर डाल देंगे इस तरह से। तो ये देखा ड्राई भी कैसा चटपट हो गया ना, क्योंकि गर्म था। और अब लो पे ही रखेंगे और अगेन इसी तरह से फिलिंग डालेंगे। टॉप की लेयर डलेगी उसी पॉइंट पर चूल्हा जो है वो मीडियम हाई हो जाएगा, ताकि टॉप की लेयर सूखना शुरू हो और नीचे पकना शुरू हो। चले अब ये हमारा लास्ट आमेजा भी रह गया है और आलू भी रह गया है। तो ये देखें हटा के अगर आप थोड़ा सा पेपर टॉवल भी यूँ कर देंगे ना, या कोई भी टॉवल, तो वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ये आ जाए खाने के लिए फुल स्टफिंग के साथ, दही और अचार भी लेंगे और चाय बनाएंगे और सब रूबी के किचन की फैमिली जो है यूट्यूब की मज़े से खाएगी। वीकेंड पे बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। तो चलें दही लेते हैं,
दही और पराठा तो हैंड इन हैंड जाता है। और फिर साथ अचार, मैंने इतने सारे अचार बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो मैं उसका लिंक किया देती हूँ, ज़रूर बनाइएगा। और अब साथ पराठा, ये देखिए कैसा भरा भरा सा। और उसके साथ गर्मा गर्म चाय। मेरी दुनिया जन्नत नजर आ रही है। वीकेंड में भी बनाएंगे ना तो नाम मजा आ जाएगा कि बता नहीं सकते। दो दो फ्राई पैन पे भी साथ साथ बनाए, बड़ा इजी रहेगा। और ये मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए मैं प्यार से एक बड़ा सा बाइट लूंगी। खाना तो मुझे ही होगा लेकिन आप लोग के नाम पे। कातिलाना खतरनाक। अब भर भर के हमने आलू की फिलिंग डाली है। सो सेटिस्फाइंग। वे टू गुड, हाईली रिकमेंडेड। बनाना बनता है तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मजे करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊंगी सिंपल फन और खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।